हमारे जो तीन बूथ है 23-1, 23-2 और 23-3, इन तीनों बूथ में आज ईवीएम जा रहा है। इसका ECI से परमिशन लिया गया था। P-2 डे पे मूवमेंट होगा। P-2 डे यानी आज 15 तारीख पे, 17-2, ये मूवमेंट आज P-2 पे हो रहा है, क्योंकि ये जो लोकेशन जो बूथ है ये बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए इसका रिजर्व पर्सनल भी हम इसके साथ ही भेज रहे हैं। इनके कुछ दिक्कत भी हो गया तो रिजर्व पर्सनल उधर ही रिप्लेस हो गया। तो इसका मेन रीज़न यही है कि इसका डे लाइट में ही ट्रैवलिंग हो जाए, और वो एरियाज बहुत रिमोट है और हमको डेमोक्रेसी वहाँ तक पहुँचाना है, इसीलिए इनका आज मूवमेंट हो रहा है। मिला के लगभग 2500 के आसपास वोट है। उधर CAPF ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है, इनके पहुँचने से पहले वहाँ पे बूथ में CAPF है। तपाईँ त P-2 भन्छ, सिरुखोला डाँडा गाउँ र रामनगर मेसिन चाहिँ जान्छ आज। ए, कतिको दुरी होला यहाँदेखिको? 90 किलोमिटर पर्छ नि। तपाईँहरू यति होला, हिँडेपछि कति बेला पुग्नुहुन्छ? अब फेरि 6 बजी त पुग्नुपर्ने, जतिसम्म एस्टिमेटेड टाइम। त्यही दिन पैदल पनि हिँड्नुपर्छ तपाईँहरू? पैदल गाडी माथि पुग्यो भने त पैदल हिँड्नु पर्दैन। अहिले सबै पुलिस स्टेसन गाडी त फोर व्हिल चाहिँ पुग्दैछ। यस पानी परेन भने चाहिँ पैदल हिँड्नु पर्छ। पहिलाको इलेक्सनमा चाहिँ पैदल हिँड्नुभएको? पहिलाको इलेक्सन त सबै पैदलै हुनु। कति किलोमिटर जस्तो होला यहाँबाट? सिरिखोलाबाट झन्डै 5 किलोमिटर भयो नि उतै। कतिचोटि भइसक्यो तपाईँ यो इलेक्सन ड्युटी गर्नु? मैले 4-5 पल्ट भइसक्यो सिरिखोला गएर।